नमस्कार। तो आज यहाँ पे हम भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक जैसे ही ओपन हुआ था आज गैप अप से ओपन हुआ था। ओपन होते ही स्टॉक ने 75 लेवल को ब्रेकआउट दिया है, जो कि अच्छी बात है। ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, पर कोई खास वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहे, जो कि लास्ट मंथ उसके पहले जो वॉल्यूम जनरेट होते थे स्टॉक के अंदर, वो वॉल्यूम की रेंज यहाँ पे नजर नहीं आ रही रिसेंटली स्टॉक के अंदर, बेल स्टॉक के अंदर। तो देख सकते कि स्टॉक की कोई खास अपडेट या न्यूज है क्या, उसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। तो देख सकते कि कोई भी लेटेस्ट अपडेट या न्यूज सामने नजर नहीं आ रही रिगार्डिंग बेल स्टॉक। तो यहाँ पे बेल स्टॉक की बात की जाए तो देख सकते एक अच्छा पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टॉक है। आज भी देख सकते स्टॉक 75 लेवल को ब्रेक किया है, ऊपर सेटल होता है तो 80 लेवल तक जाने के जो चांसेस है वो बढ़ सकते हैं। मार्केट कैप 26.25,000 करोड़ का है, पी रेशियो 33 है और डिविडेंड यील्ड 0.53%। पिछले 5 दिनों में स्टॉक की बात की जाए तो देख सकते कि कोई खास मोमेंटम नजर नहीं आई है। 75 लेवल के ऊपर स्टॉक सेटल होता है तो ही ऊपर की तरफ जाने के जो चांसेस है बढ़ सकते हैं। वॉल्यूम भी देखा जाए तो कोई खास वॉल्यूम 30 लाख का वॉल्यूम जनरेट होया है आज के दिन। अभी तक यहाँ पे देख सकते कि जो स्टॉक में 4 करोड़ 5 करोड़ लाख के ऊपर यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हो रहा था, और रिसेंटली देख सकते कि स्टॉक के अंदर 30 लाख तक अभी तक वॉल्यूम जनरेट हो चुका है। मीन्स वॉल्यूम जो है कम होने लगा है, तो मोमेंटम भी यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी चौपी नजर आ सकती है, कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉक वॉल्यूम बढ़ते तो यह एक अच्छी तेजी ब्रेकआउट पॉजिटिव देखने को मिल सकती है। तो डिलीवरी परसेंटेज भी देखिए जाए तो 26 में लाख में से 10 लाख 79,000 क्वांटिटी डिलीवरी के लिए जा चुके हैं, कुल मिला के 41%। चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो देख देखिए 18 लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है स्टॉक के लिए। यहाँ से ऊपर स्टेबल होता है 75 लेवल के ऊपर, तो 80 लेवल पे अगला रेजिस्टेंस लग सकता है स्टॉक के लिए।